कहता है गॉड मतलब क्या, गॉड मतलब क्या, सूरज सब जल देते हैं, सूरज को क्यों देते हैं, अपने टाइम पे आ जाएगा, सबको बराबर, सबको बराबर हीट देता है, लाइट देता है, और क्या करता है, बिना मांगे देता है, कुछ और नहीं करना। मैं भी यही करना शुरू कर देता हूँ, मेरे पे भी लोग जल चढ़ाएंगे। एक्चुअली आई कैन इक्वेट टू द गॉड्स, आई हैव नाउ अंडरस्टूड नो कि वो करते क्या है, गॉड्स कैसे बनते हैं, देना, फर्स्ट ऑफ ऑल देना, बी अ गिवर, देन अनकंडीशनल, इक्वल टू ऑल विदाउट एनीबडी आस्किंग फॉर इट, चार चीजें ही तो करनी है, करना शुरू कर देते हैं, छोटा छोटा करके देखते हैं, लेट मी रीच आउट टू पीपल, इफ एनीबडी नीड्स हेल्प विदाउट दैट पर्सन आस्किंग फॉर हेल्प, लेट मी रीच आउट, लेट मी बी रेडी। आप देखो एक सिचुएशन सोच के देखो, किसी को हेल्प की जरूरत है, वो हेजिटेट, जिसको हेल्प की जरूरत होती है वो कितना हेजिटेंट होगा, मांगना तो बड़ी मुश्किल बात है, आसान बात थोड़ी है, हेजिटेंट होगा, बट यू रीच आउट, कैसा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। सो दीज आर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटीज, जहां लगे किसी को कहीं मदद की जरूरत है, राधव फटाफट पहुंचो कि कोई दूसरा नहीं पहुंच जाए, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, लेट मी एनकैश इट, दिस इज बीइंग पॉजिटिव। और क्या है पॉजिटिव होना, गुड फॉर मी, गुड फॉर ऑल, गुड फॉर ऑल, आई रीच आउट टू दैट पीपल, दैट पर्सन, एंड देन गुड फॉर मी, आई हैड अ नाइस फीलिंग, रिजल्ट मिल गया। फिर ये नहीं सोचना उसने थैंक यू नहीं बोला, ये नहीं सोचना कि मैं ही करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं, पीपल आर ऑर्डिनरी, लेट देम बी ऑर्डिनरी, आई एम ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मुझे थैंक यू भी नहीं चाहिए, मुझे गुड फीलिंग आ गई, इनाफ। वो देख रहा है वो किस तरीके से मुझे थैंक यू बोलेगा, मैं समझ भी नहीं सकती, वो बोलेगा थैंक यू, उससे चलिए थैंक यू, और वो जब थैंक यू बोलता है ना तो बहुत अच्छे वाला थैंक यू बोलता है। Then from here people rise to those levels and without any reason we are surprised, ऐसा क्या कर दिया इस बंदे ने, कुछ भी तो नहीं था, कहाँ पहुँच गया ये, पीछे की goodness नज़र नहीं आई, positivity नज़र नहीं आई, और ये positivity का result वो देता है, हमें चाहिए ना, हमें progress चाहिए अपने careers में, है ना, careers में जो करना है करो, मेहनत करो side by side, because I am a human being, I am first a human being then a manager। हम क्या करते हैं, मैनेजीरियल एक्टिविटीज करते हैं, ह्यूमन बीइंग वाला कंपोनेंट पता ही नहीं, लेट मी बी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड देन लेट मी बी द मैनेजर एंड लेट मी सी व्हाट कम्स आउट, एंड दो चार बार करके थकना नहीं, दो चार बार करके थकना नहीं कि वो तो वैसा ही बिहेव करे जा रहा है, मैं ही मूर्ख थोड़ी बनता जाऊंगा, मूर्ख नहीं बनेंगे आप, ये सब I don't know like why we have this in India. Believe me, आप लोग तो बाहर भी जाते हैं, आप देखें इतना ज़्यादा complication minds में बाहर नहीं है लोगों के, people are very simple, they are very smiley, they are very helpful. We Indians in the park we'll go around, we hardly say namaste to anybody. Why? Everybody around in the world will greet people with a smile, with a hello. Now अब हम या तो क्रिप कर लें, हम इंडियन जैसे हैं, हमको evolve होना बाकी है, let me begin, let me be the change that I want to see in people, that I want to see in India. आज के बाद कहीं पार्क में जाएंगे, will we greet people, हाथ जोड़ के नमस्ते, I do it to everybody, नमस्ते, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, what will come in turn? अब मैं सोचूं मैं ही नमस्ते करती हूँ या आंटी को, तो कुछ मतलब सालों हो गए मुझे नमस्ते करते, कभी कल ये भी नमस्ते कर सकती है, आपके पते क्या होगा अगर वो नमस्ते करेगी, वो नमस्ते करेगी तो वो उस टाइम के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई, आप ऑर्डिनरी जियो, ऑर्डिनरी जीना चाहते हो तो जियो। आंटी दूर होगी ना, पहले ही तैयारी कर लो, मुंह खोल लो, आंटी नमस्ते, यू शुड नॉट गिव अपॉर्चुनिटी टू द अदर पर्सन टू बी गुड। इस फोर्स से हम बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे, बिकॉज हमने सीखा ना एक्सपेक्टेशन करना, सीखा हमने कंसिस्टेंट होना। अब आप लोगों की जॉब्स में तो कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ फिर बंद करते। एक विलेज में काफी ड्रॉट था, सूखा था, बारिश नहीं आ रही थी, तो लोग बहुत परेशान थे, फार्मर्स दे वर वेरी अपसेट, कैसे गुजारा कैसे चले। तो किसी एक ओल्ड पर्सन ने बोला कि देर इज अ सेंट अराउंड इन द अदर विलेज, उसको बुलाते हैं, सुना है कि वो जब नाचता है, व्हेनेवर दैट सेंट डांसेस व्हेन इट रेन्स, तो क्योंकि बहुत एल्डरली किसी ने बताया, तो उन्होंने बोला हाँ जरूर बुलाते हैं।
तो दैट सेंट वॉज कॉल्ड द सेंट डांस्ड फॉर 2 आवर्स एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. कमाल है ये तो. नाउ बहुत अच्छा टाइम निकल रहा था. वंस अगैन इट सो हैपेंड दैट द सेम विलेज फेस्ड ड्रॉट अगैन. अब उस वक्त पे क्या था कि हमारे जैसे कुछ बच्चे जो शहर से पढ़ के गए थे वो उस वक्त अपने गांव में छुट्टी मनाने आए थे. तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों हमें कह रहे हैं कि उस गांव से उस सेंट को लेके आओ. उन्होंने बोला कि ऐसा है कि लास्ट टाइम भी ड्रॉट हुआ था एंड उन सेंट ने आके डांस किया तो इट स्टार्टेड रेनिंग, सो वी आर थिंकिंग ऑफ कॉलिंग दैट सेंट अगेन. तो बच्चे बोलते हैं, यू नो यंग बॉयज बोलते हैं कि इफ डांसिंग ओनली कैन ब्रिंग द रेन व्हाई कांट वी ऑल डांस. तो सेंट को बुलाने की क्या जरूरत है, लेट्स यू नो डांस टुगेदर. अब उन्होंने बोला कि हाँ आइडिया ठीक है, पॉइंट है, इसमें भी वी कैन ट्राई दिस ऑल्सो. सो यू नो ऑल द विलेज मेन दे स्टार्टेड डांसिंग. देयर 1 घंटा डांस किया. पिछले बार 2 घंटे में रेन आई थी, जब सेंट ने डांस किया था 2 घंटे में रेन आई. 1 घंटा डांस किया, रेन नहीं आई. तो मुँह लटकना शुरू, पता नहीं इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट, पता नहीं कैसा सोचते हैं. एनी वेज बिकॉज 2 आवर्स वॉज अ बेंच मार्क, उन्होंने सोचा शायद 2 घंटे में ही आती हो तो चलो 2 घंटा तो निकाल दिए. कैसे 2 घंटा नाचा, रेन नहीं आई. 3 घंटा नाचा, रेन नहीं आई. तो बोला बुलशिट, नेवर वर्क्स, दैट्स व्हाट यू नो ब्लाइंड फिलोसफी एंड ये वो करके. अब वो लोग तो चले गए, रेन आई नहीं, अपने हॉस्टल में वापस चले गए. अब ओल्ड विलेजर्स ने सोचा कि नहीं कुछ तो कुछ हुआ होगा, लास्ट टाइम इट वर्क यू नो इट्स नॉट अ चांस. सो दे कॉल्ड द सेंट अगेन. उन्होंने बोला कि बाबा आप आइए, बहुत तकलीफ है, आप कुछ कीजिए. सो द ओल्ड सेंट ही स्टार्टेड डांसिंग. ही डांस फॉर 1 आवर, ही डिड नॉट रेन 2 आवर्स, ही डिड नॉट रेन 3 आवर्स, 4 आवर्स, ही केप्ट ऑन डांसिंग एंड बाई द इवनिंग इट स्टार्टेड रेनिंग. अब लोगों ने उनसे पूछा कि आपके अंदर क्या चल रहा था व्हेन यू वर डांसिंग, बिकॉज लास्ट टाइम इट रेन्ड यू नो आफ्टर 2 आवर्स एंड दिस टाइम इट टुक 7-8 आवर्स, सो हाउ कुड यू कंटिन्यू डांसिंग फॉर सच लॉन्ग टाइम. उन्होंने बोला कि देख जब मैं नाचना शुरू करता हूँ तो मैं एक थॉट क्रिएट करता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा इट विल डेफिनेटली रेन, इफ आई विल डांस इट विल डेफिनेटली रेन. First thought I create this. Second thought I create is I will dance until it rains. मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश हो नहीं जाएगी. I think this suffices it. ये बिल्कुल निचोड़ है. आप तब तक जाएं उस डॉक्टर के पास जब तक वो आपका प्रोडक्ट नहीं लिखे. और इस थॉट के साथ लिखेगा कैसे नहीं, ये लिखेगा. किया क्या आपने, आपने क्या किया? आप ऐसे भी जा सकते थे, जा तो रहा हूँ पता नहीं करेगा कि नहीं. यू सेंड दैट एनर्जी. डॉक्टर ने काम नहीं किया, आपने काम नहीं किया, उस एनर्जी ने काम किया. बिकॉज एनर्जी पता है थॉट कैसा है, थॉट एक एनर्जी है. और कैसा है थॉट, आप तीर कमान समझते हैं, बाउ एंड एरो है ना. थॉट कैसा है, थॉट इज लाइक एन एरो That has left the bow, जिसने कमान को छोड़ दिया. Thought वो energy है. अब कोई अगर तीर जो कमान को छोड़ चुका है, can you destroy the energy of that arrow? Energy cannot be created, it cannot be destroyed. आपके हाथ की mechanical energy, potential energy is now transferred to the arrow and it is now hit at a target. आपने जब उसको छोड़ा, it is hit at a target. It is going to meet its target. कोई शक्ति नहीं रोक सकती है. Thought is like this. You target your thoughts to your whatever audience, your doctors, and then काम ना करे ऐसा हो नहीं सकता. Create positive thoughts. Let's kind of explore ourselves, use our powers, and use it in a positive way to our own benefit. He is that only. वो यही कर रहा है. अब there is a small component of meditation. वर्ड इज काइंड ऑफ हुकिंग टूवर्ड्स मेडिटेशन नाउ. मेडिटेशन क्या है, अलग अलग तरह से मेडिटेशन होती है ना. मेडिटेशन ज़रूरी क्यों है, इसी प्रोसेस थिंकिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, सो दैट यू गेट दैट प्रीशियस टाइम वेयर यू आर एबल टू वॉच योर थाट्स. अदरवाइज तो थाट्स कब एक्शन में चले जाते. मैं गुस्सा करना तो नहीं चाहती थी पर आ गया.
बट गुस्सा भी इसी प्रोसेस के थ्रू गया था, एक थॉट आया होगा, इंटेलेक्ट को गया, या तो इंटेलेक्ट सोया है हमारा या तो इंटेलेक्ट को जगाए। बताएं, आई एम अ लिविंग बीइंग, आई एम द मोस्ट इवॉल्व स्पीशीज ऑन प्लैनेट अर्थ, ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स को इंटेलेक्ट नहीं है, सिर्फ एक इंसान को इंटेलेक्ट है, और अगर हम भी उसको यूज़ नहीं करें, लेट्स स्टार्ट यूजिंग आवर इंटेलेक्ट, लेट्स मेक गुड यूज ऑफ इट, गुड यूज ऑफ इट टू थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड फॉर अस, गुड फॉर एवरीवन, एंड देन वी कैन ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन द सोसाइटी। सोसाइटी इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट प्लेस देन, फॉर अस, फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू। गट फीलिंग होती है ना, कई बार हम कोई काम करते हैं कि ये मेरे को गट फीलिंग आ रहा है कि मुझे ये ऐसे करना चाहिए, और मेरा माइंड लाइक जो आपने कहा व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, ये डिसाइड करने के प्रोसेस में गट फीलिंग इन बिटवीन आता है, बहुत पेन होती है। और जैसे जैसे आप मेडिटेट करेंगे, देखो ट्रैफिक ज्यादा होगा तो हॉर्न की आवाज कम सुनाई देगी, देखू ना, अगर हमारे माइंड में थॉट्स का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो वो गट फीलिंग भी क्या है, थॉट ही तो है। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे